मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक गायनेकोमास्टर की सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पफिनेस है निपल की और थोड़ा सा फैट है, तो ग्रेड वन में क्वालिफाई करता है विद पफी निपल। तो एविडेंस देखते हैं पफिनेस का। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि फैट है या ग्लैंड है, तो इस वीडियो में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ग्लैंड को आइडेंटिफाई करते हैं। बिना टच करे आप बता सकते हैं कि कितना ग्लैंड है और कितना फैट है। आप देख रहे हैं कि निपल बिल्कुल बाहर की तरफ एकदम स्ट्रेच्ड आउट है। यहां पे आप देख रहे हैं कि निपल की प्रोजेक्शन हो रही है। सो ये एविडेंस है कि निपल को अंदर से पुश मिल रहा है। पुश सिर्फ ग्लैंड से मिल पाता है। सो बिना हाथ लगाए हम बता सकते हैं कि नीचे एक काफी बड़ा ग्लैंड है। राइट साइड में बड़ा है, लेफ्ट में थोड़ा छोटा है ग्लैंड, बिकॉज राइट की पफिनेस कहीं ज्यादा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा बल्ज है, साइड्स में इधर बल्ज है, ये फैट की वजह से होता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लैंड प्लस फैट हमेशा यही होता है। किसी में थोड़ा ग्लैंड कम, किसी में थोड़ा ज्यादा। ज्यादा ग्लैंड होता है तो पफिनेस बहुत हो जाती है, और छोटा ग्लैंड होता है तो कई बार पफिनेस नहीं आती। फैट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर पेशेंट में फैट तो होता ही है। सो हमारा प्लान रहेगा बहुत सिंपल। छोटे से इंसिजन से थोड़ा सा फैट निकाल देंगे, ज्यादा फैट नहीं है, करीब करीब 30-40 ml फैट निकलेगा, और उसके बाद यहाँ पे इंसिजन देके ग्लैंड निकाल देंगे। टोटल प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में अराउंड 45 मिनट्स लगेगा, एंड इसके बाद इमीडिएटली ये घर जा सकते हैं। 4 से 5 दिन का अपना फिजिकल एक्टिविटीज से ब्रेक रहेगा, अदरवाइज नॉर्मल एक्टिविटीज कल से शुरू हो सकती है।